मानसून की पहली मूसलाधार बारिश से निजाम जिंदगी शदीद मुतासर। केनाल रोड समेत अहम शाहराहें जल थल, नशवी इलाके भी जेर आब आ गए। बारिशी पानी खड़ा होने से सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। वॉल्टन रोड, फिरोजपुर रोड, केनाल, जेल और मॉल रोड पर गाड़ियों की तवील कतारें। बारिश से लेस्को का तरसीली निज़ाम भी झटके लेने लगा। कलमा चौक पर हाई वोल्टेज तार भी गिर गई। 90 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप होने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासर। मूसलाधार बारिश इंतजामिया के दावों की नैया भी बहा ले गई। शहर का कारोबारी हब पानी में डूब गया। रहमान गलियां, ब्रांडेड रोड, बादामी बाग, ऑटो पार्ट्स मार्केट पानी से भर गई। लारियाडा सब्जी और फ्रूट मंडी भी जेरियाब। बारिश से थाना जोहर टाउन भी जेरियाब। एहलकारों और साहिलीन को परेशानी का सामना। मूसलाधार बारिश और तेज हवाएं सरनाबाद में सबसे ज्यादा 54 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुलशन रावी 47, लक्ष्मी चौक में 40, पानी वाला तालाब 39 मिलीमीटर बारिश हुई। इकबाल टाउन पर 33, अपर मॉल 32, जेल रोड पर 34.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। कमिश्नर आसिफ बिलाल लोधी का लक्ष्मी चौक का दौरा। निकासी आपके काम का जायजा। नशेबी इलाकों को फौरी क्लियर करने का हुक्म। डीसी दानिश अफजा की वासा। LWMC और जोन इंतजामिया को फील्ड में निकलने, तमाम डिस्पोजल सेंटर ऑपरेशनल करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत ने शुगर माफियाज को काबू करने के लिए ऑर्डिनेंस तैयार कर लिया। चीनी की सट्टेबाजी, जखीरा अंदोजी और नाजायज मुनाफाखोरी पर 3 साल सजा और 10 लाख जुर्माना होगा। कीमतों के उतार चढ़ाव में मदद देने वाले भी नए ऑर्डिनेंस की लपेट में आएंगे। मौके से गिरफ्तार होने वालों को कैद और जुर्माने की सजा होगी। शुगर के कारोबार से वाबस्ता अफराद को स्टॉक, खरीदारी, फरोख और दरामद बरामद समेत दीगर रिकॉर्ड रखना लाजमी होगा। शहबाज शरीफ की असासजात केस में दरख्वास्त जमानत पर समाप्त। वकला इस्लामाबाद होने के सबब अदालत पेश न हुए। आजम नजीर ताहर और अमजद परवेज एडवोकेट की इस्तदा पर समाप्त 23 जुलाई तक मुलतवी। शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में तौसी मंजूर। ऑपोजिशन लीडर की अदालत पेशी पर लीगी कारकुनान और पुलिस की मुठभेड़। नैब वाली अदालत में कुछ कहते हैं और अपने दफ्तर में कुछ। मेरी जमानत की दरख्वास्त पर अल्लाह ने या इस अदालत ने फैसला करना है। ऑपोजिशन लीडर बोले, पहले भी नैब में पेश होता रहा हूँ और आइंदा भी पेशी के लिए तैयार। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ सियालकोट केंट हाउसिंग स्कैंडल की तहकीकात। नैब की लीगी रहनुमा को कल दिन 11 बजे तमाम रिकॉर्ड और असासजात की तफसीलात के साथ पेश होने की हिदायत। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। मुस्लिम नून के टिकट पर जीत के मजे लेने वालों को वजीर आजम इमरान खान नवाज शरीफ से ज्यादा भाग गए। मनहरफ लीगी MPA निशाद डाहा को इमरान खान साबिक वजीर आजम से बेहतर और उस्मान गुजार शहबाज स्पीड को पीछे छोड़ते नजर आने लगे। अशरफ अंसारी कहते हैं, शहबाज शरीफ अच्छे मगर मिलना मुश्किल है, गुजार आसानी से मिल जाते हैं। तहरीक इंसाफ कयादत का पार्टी में ऑपरेशन क्लीनअप। जनरल इलेक्शन में हक तलफी पर आवाज उठाने वालों के खिलाफ 2 साल की ताकीद से कार्रवाई। पार्टी फैसले कबूल न करने पर इरम बुखारी को शौकॉज जारी। पार्टी चेयरमैन पर जवाब तलब। खातून रहनुमा ने मौकिफ दिया, पार्टी वजाहत कबूल कर चुकी है, इख्तलाफ गलत फहमी पर पैदा हुए। मवेशी मंडियों में नौसरबाजों, चोर, चक्कों और डकैत राहजनों से निपटने के लिए खसूसी स्क्वाड तैनात। पुलिस दस्ता मंडियों में गश्त और सारा लिबास मुआवनीन की मदद से मशकूक अफराद पर नजर रखेगा। सखियां मवेशी मंडी में गहमा गहमी में इजाफा। नाकाफी सहूलियात के बावजूद व्यापारी 10,000 जानवर लेकर पहुंच गए। बारिश से जानवरों को महफूज रखने के लिए 120 टेंट नस्ब। मंडी में जानवरों के लिए खुरलियों की तामीर, पानी जखीरा करने की टैंकियां और वॉशरूम्स की ताहाल नामुकम्मल। कुर्बानी के बकरे भी ऑनलाइन आ गए। लाहौर कैटल मार्केटिंग ने पंजाब IT बोर्ड के तआवुन से बकर मंडी ऑनलाइन ऐप मुतारिफ करा दी। ऐप की मदद से शहरी घर बैठे मनपसंद जानवरों की खरीदारी कर सकेंगे। खरीदारी के लिए ऐप अकाउंट बनाने के लिए नाम, मोबाइल फोन नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना लाजमी पड़ा। महंगा
गाय का चिन्ह बोतल से बाहर, सब्जी फरोशों ने सरकारी निर्ख नामा नजरअंदाज करके मनमर्जी के रेट मुकर्रर कर दिए। प्याज 35 की बजाय 60, टमाटर 90 की बजाय 120, लहसुन देसी 180 के बजाय 300 रुपए किलो पर फरोख। बैंगन, खीरा, मेथी की कीमत में भी इजाफा, गोभी, घिया कद्दू और घिया तोरी की कीमत 100 से ज्यादा हो गई। लाहौर हाईकोर्ट ने पेट्रोलियम बहरान पर पार्लिमानी कमेटी के लिए 6 हफ्तों की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ने समाअत पर रिमार्क्स दिए कि हुकूमत के बारे में तासुर ये है कि गैर मुंतखब लोग उसे चला रहे हैं। काबीना मीटिंग से तासुर मिलता है कि गैर मुंतखब अफराद ने अवामी फलाह से कोई गर्ज नहीं, ये कल को अपना बैग उठाएंगे और अपनी कंपनी में वापस चले जाएंगे। चेयरपर्सन ओगरा उजमा आदिल समेत दीगर अफसरान अदालत पेश। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट पेश कर दी। एलडीए वासा टीपा का नए माली साल के लिए 58 अरब का बजट, अखराजात का तखमीना 53 अरब, आमदनी वसाइल में अराजी फरोख से 9 अरब, कमर्शियल फीस की मद में 3 UD विंग की आमदन का तखमीना 23 अरब लगा दिया गया है। आइंदा गवर्निंग बॉडी इजलास में बजट की मंजूरी दी जाएगी। सरकारी इदारों की अदायगियां न होने पर जून में बिजली बिलों की वसूली में बड़ा शॉर्टफॉल, 110 महकमों पर 4 अरब 81 करोड़ के वाजिबात, वासा 1 अरब 98 करोड़ के साथ सबसे बड़ा नायब दहिंदा निकला। परिंदों के जहाजों से टकराने के बढ़ते वाकयात पर सिविल एविएशन का नोटिस, जिला इंतजामिया को एयरपोर्ट के एतराज़, सफाई इंतजाम समेत सदके का गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए मुरास्ता इरसाल। जाली लाइसेंस केस के बोझाल से एक अच्छी खबर, कतर एयरवेज ने 35 पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस की तस्दीक कर दी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने रिपोर्ट बजरिया फैक्स एयरलाइन हुकाम को अरसाल कर दी। कोरोना एसओपीस पर अमल दरामद के लिए जिला इंतजामिया मुतहरे, गुज़श्ता 24 घंटों में 1313 दुकानों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की चेकिंग, हिफाजती इकदाम न होने पर 40 दुकानें सील और 53 गाड़ियां बंद, 26,700 रुपए जुर्माना भी वसूल किया गया। शहबाज शरीफ की असासाजात केस में दरख्वास्त जमानत पर समाप्त, वकला इस्लामाबाद होने के सबब अदालत पेश न हुए, आजम नजीर ताहर और अमजद परवेज एडवोकेट की इस्तेदा पर समाअत 23 जुलाई तक मुलतवी, शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में तौसी मंजूर, अपोजिशन लीडर की अदालत पेशी पर लीगी कारकुनान और पुलिस की मुठभेड़। नैब वाले अदालत में कुछ कहते हैं और अपने दफ्तर में कुछ, मेरी जमानत की दरख्वास्त पर अल्लाह ने या इस अदालत ने फैसला करना है। अपोजिशन बोले, पहले भी नैब में पेश होता रहा हूं और आइंदा भी पेशी के लिए तैयार। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ सियालकोट केंट हाउसिंग स्कैंडल की तहकीकात, नैब की लीगी रहनुमा को कल दिन 11 बजे तमाम रिकॉर्ड और असासाजात की तफसीलात के साथ पेश होने की हिदायत। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, मुस्लिम नून के टिकट पर जीत के मजे लेने वालों को वजीर आजम इमरान खान नवाज शरीफ से ज्यादा भा गए। मुनहरफ लीगी MPA निशाद डाहा को इमरान खान साबिक वजीर आजम से बेहतर, और उस्मान बुजदार शहबाज स्पीड को पीछे छोड़ते नजर आने लगे। अशरफ अंसारी कहते हैं शहबाज शरीफ अच्छे मगर मिलना मुश्किल है, बुजदार आसानी से मिल जाते हैं। तहरीक इंसाफ क़यादत का पार्टी में ऑपरेशन क्लीन अप, जनरल इलेक्शन में हक तलफी पर आवाज़ उठाने वालों के खिलाफ 2 साल की ताखीर से कार्रवाई, पार्टी फैसले कबूल न करने पर इरम बुखारी को शौकॉज जारी, पार्टी चेयरमैन पर जवाब तलब, खातून रहनुमा ने मौकिफ दिया, पार्टी वजाहत कबूल कर चुकी है, इख्तलाफ गलत फहमी पर पैदा हुए। मवेशी मंडियों में नौसरबाजों, चोर, चक्कों और डकैत राहजनों से निपटने के लिए खसूसी स्क्वाड तैनात, पुलिस दस्ता मंडियों में गश्त और सारा लिबास मुआवनीन की मदद से मशकूक अफराद पर नजर रखेगा। सखियां मवेशी मंडी में गहमा गहमी में इजाफा, नाकाफी सहूलियात के बावजूद व्यापारी 10,000 जानवर लेकर पहुँच गए, बारिश से जानवरों को महफूज रखने के लिए 120 टेंट न, मंडी में जानवरों के लिए खुरलियों की तामीर, पानी जखीरा करने की टैंकियां और वॉशरूम्स की ताहाल नामुकम्मल।
कुर्बानी के बकरे भी ऑनलाइन आ गए। लाहौर कैटल मार्केटिंग ने पंजाब आईटी बोर्ड के तआवुन से बकर मंडी ऑनलाइन ऐप मुतारिफ करा दी। ऐप की मदद